हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। आवर टुडेज लेक्चर इज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्सटैलिटी ऑफ आरएनए। द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर एंड डीएनए का फंक्शन हमने पूरा डिस्कस किया, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने डीएनए की कन्फर्मेशंस को स्टडी किया। जो फॉर्म होती है डीएनए की, कितने फॉर्म्स में अवेलेबल होता है डीएनए, हमने इस चीज़ को स्टडी किया। अभी हम आगे देखेंगे, इस जो हमारा पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम स्ट्रक्चर एंड वर्सटैलिटी ऑफ आरएनए के बारे में बात करेंगे। मतलब कि आरएनए का स्ट्रक्चर एंड आरएनए के कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएनए, एट फर्स्ट ग्लैंस आरएनए अपीयर्स वेरी सिमिलर टू डीएनए। जो आरएनए होता है डीएनए के सिमिलरिटी में होता है। जैसे जो हमारा डीएनए है वो भी न्यूक्लिक एसिड है, और जो आरएनए है वो भी न्यूक्लिक एसिड है, तो दोनों में ही सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये होती है। और आरएनए सिमिलर होता है डीएनए से, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। सर्टेनली इट्स केमिकल कंपोजिशन ओनली डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ डीएनए इन सीमिंगली माइनर रिस्पेक्ट। अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स बैकबोन एंड द अब्सेंस ऑफ अ मिथाइल ग्रुप ऑन वन ऑफ इट्स फोर बेसिस। इस लाइन में यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो आरएनए का डीएनए से डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस कहाँ से आता है। तो देखते हैं कैसे होता है ये डिफरेंस। जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। जो हमारा डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंसेस का वीडियो है, उसमें हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं डीएनए से आरएनए के। यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो पेंटोज शुगर होता है, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, ये हमारा पेंटोज शुगर है, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज़ 5th कार्बन। तो जो शुगर का, जो आरएनए का सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन होता है, दैट इज़ ये वाला जो कार्बन है, यहाँ से जो ग्रुप अटैच्ड होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वाइल इन द केस ऑफ आरएनए, ये जो सेकंड पोजीशन से अटैच्ड ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोजन। तो जो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस कॉज करता है, वो यही पोजीशन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस कॉज करता है। एंड द अब्सेंस ऑफ अ मिथाइल ग्रुप ऑन वन ऑफ इट्स फोर बेसिस। इसमें जो बेस होते हैं, या यहाँ पे एडेनिन थायमिन से पेयर ना करके यूरेसिल से पेयर करता है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है डीएनए एंड आरएनए में। सर्टन वायरसेस हैव आरएनए जीनोम, बट इन द मेन डीएनए इज़ द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बहुत से वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इवन जो हमारे प्राइओन्स होते हैं, उनमें तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता, उनमें तो सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। वो सिर्फ इन्फेक्शन कॉज करते हैं प्रोटीन के थ्रू, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं प्राइओन्स। तो जो, और उसके अलावा में जो कुछ वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। हम कह सकते हैं कि जो वायराइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं। तो बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं जिनमें कि डीएनए नहीं होता, और डीएनए की जगह आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टिल डीएनए इज़ द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने का काम है वो डीएनए ही परफॉर्म करता है। इंस्टेड आरएनए वाज लार्जली सीन एज द शटल दैट ट्रांसफर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। जो आरएनए है हमारा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को डीएनए से राइबोसोम तक ट्रांसफ़र करता है।
कैसे करता है, जो हमारा सेंट्रल डोगमा का रूल है, जो सेंट्रल डोगमा हम पढ़ते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से दोबारा से डीएनए का फॉर्मेशन, या डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, या आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा का रूल बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है सेंट्रल डोगमा में, कि या तो डीएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, या तो डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये है हमारा सेंट्रल डोगमा का रूल। इसमें जो डीएनए से आरएनए के थ्रू होती हुई जो प्रोटीन में इंफॉर्मेशन जा रही है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो वर्क है, वो वर्क आरएनए के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए, दैट इज़ जो हमारा आरएनए है, वर्क सीन एज द शटल दैट ट्रांसफर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। The adapter that decoded the information and as a structural component of the ribosome. RNA के बहुत सारे functions होते हैं। ये क्या करता है, informations को decode करने में, जो हमारा process होता है translation का, इसमें tRNA आता है, bind करता है, और ये जो अपने साथ में जो लेके आता है codon और anticodon, जिनके through हमारा protein का synthesis होता है, ये मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड करने का काम करता है। जो कोडॉन है ये उसके लिए एंटीकोडॉन लेकर आएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। इसके अलावा इट इज़ आल्सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। जो आरएनए है हमारा, ये राइबोसोम में भी प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएनए का एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इन फ्यू कंडीशंस, कुछ ऐसी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिनमें ये फॉर्म होके ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस, एज वी नो दैट एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, सो द आरएनए कैन ऑल्सो फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, जो वेरी फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, जो आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, जैसे कि हमने डीएनए में देखा था कि ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, और यहाँ से इसके 5' कार्बन से फॉस्फेट अटैच्ड होता है। यही जो हमारा है, ये स्ट्रक्चर, ये बैकबोन बनाता है। यहाँ से नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड होते हैं, जो कि हमारे इनर साइड में यहाँ पे अटैच्ड रहेंगे। आप देख सकते हैं जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, उसमें बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ये देख सकते हैं हमारे जो बेसिस हैं, ये आउटवर्ड, ये आपको निकले हुए दिख रहे हैं। जब डबल हेलिकल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि डीएनए में, तो इसके अपोजिट में दूसरा स्ट्रैंड आता है और उसके जो बेसिस होते हैं वो इधर इनर साइड में आके ये फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, और ऐसे ही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं, आरएनए इज प्रिंसिपली फाउंड एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो प्रिंसिपल फॉर्म, जो मेजर एग्जिस्टिंग फॉर्म होगा आरएनए का, वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। येट बाय मींस ऑफ इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग, जो दो स्ट्रैंड हैं इनके बीच में अगर बेस पेयरिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। मतलब एक, कोई दूसरा डीएनए नहीं आएगा, अगर मतलब आरएनए अगर एक ये है और एक ये है, अगर ये दो आरएनए आते हैं तो हम इसको बोलते हैं इंटर स्टैंड, मतलब कि इंटर मतलब कि दो अलग अलग चीज़ों का इन्वॉल्व होना। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये इंट्रा स्टैंड बेस पेयरिंग होती है, मतलब एक जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा आरएनए का, वही फोल्ड होके पेयरिंग बना के यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर आरएनए का मॉलिक्यूल पेयरिंग बनाएगा और डबल हेलिकल करेक्टर का डिस्प्ले करेगा।
इंट्रास्ट्रैंड बेस पेयरिंग आरएनए एग्जिबिट एक्सटेंसिव डबल हेलिकल करेक्टर एंड इज कैपेबल ऑफ फोल्डिंग इनटू अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये इसी तरीके से फोल्डिंग बना के टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड एज वी नो टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं आरएनए उनमें एग्जिस्ट कर सकता है। आरएनए कंपोनेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आरएनए में। आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन थ्री रिस्पेक्ट्स। जो मेजर थ्री डिफरेंसेस है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे डिफर करता है ये डीएनए से। फर्स्ट पॉइंट इज द बैकबोन ऑफ आरएनए कंटेन्स राइबोस। जैसे कि हमने डिस्कस किया इसमें राइबोस शुगर होती है रदर देन डीऑक्सी राइबोस शुगर जो कि प्रेजेंट होती है डीएनए में। दैट इज राइबोस हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द सेकेंड पोजीशन। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि राइबोस में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन जो हमारा राइबोस शुगर का होता है। इसका जो ये फर्स्ट है ये सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो ये जो सेकेंड पोजीशन का कार्बन है यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड रहता है। सेकेंड पॉइंट इज आरएनए कंटेन्स यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस डीएनए और आरएनए में कि आरएनए में जो एडेनिन है एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन से ना होकर यूरेसिल से होती है बिकॉज जो हमारा आरएनए है उसमें थाइमिन प्रेजेंट ही नहीं होता है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए है वो पेयरिंग करता है दैट इज यूरेसिल से रेदर देन जो थाइमिन प्रेजेंट है उससे। यूरेसिल हैज़ द सेम सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर एज थाइमिन एक्सेप्ट दैट इट लैक्स द मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन 5। जैसे हम जानते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल रिंग्ड होता है जो हमारी प्यूरिन्स होती हैं और जो पिरिमिडिन्स होती हैं। प्यूरिन का स्ट्रक्चर डबल रिंग का जबकि जो पिरिमिडिन्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिंगल रिंग का होता है। तो जो थाइमिन है इसके फिफ्थ पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस मिलता है लेकिन यूरेसिल के केस में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अब्सेंट होता है इसके फिफ्थ पोजीशन पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे सीएसआईआर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। थर्ड पॉइंट इज आरएनए इज यूजुअली फाउंड एज अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसा कि अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं प्रीवियस स्लाइड से कि जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है। टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए। अब देखते हैं हम कि कितने टाइप्स का हमारा आरएनए होता है और कौन कौन से ये फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए The three most well known or most commonly studied are messenger RNA that is mRNA, transfer RNA that is tRNA and ribosomal RNA that is rRNA which are all present in organism। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा RNA है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और अभी हम यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स देख सकते हैं एमआरएनए टीआरएनए आरएनए। तो एक क्वेश्चन उठना लाजमी है कि कौन सा आरएनए फॉर्मेशन में जो प्रोटीन का सिंथेसिस है उसमें हेल्प करता है। तो इसका आंसर है कि ये तीनों ही मिलकर तीनों ही एनी हाउ किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये तीनों ही हेल्प करते हैं जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन की उसमें। हम देख सकते हैं जो एमआरएनए है ये हमको स्ट्रैंड प्रोवाइड करेगा जो टीआरएनए है ये बेसिस को लाके एमआरएनए पे ये कोडिंग डिकोडिंग का काम करवाएगा और जो राइबोसोमल आरएनए है जैसे कि हम जानते हैं एमआरएनए पर हमारा राइबोसोम बाइंड होता है
वहीं पे आके टीआरएनए बेस का पेयरिंग करवाता है। तो ये तीनों ही यहाँ पे इस तरीके से मिल जाते हैं और सिंथेसिस करवाते हैं प्रोटीन का। दीज एंड अदर टाइप्स ऑफ आरएनएज प्राइमरीली कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू एंजाइम। कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो कि एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। पहले ये माना जाता था कि जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स हैं, मतलब कि प्रोटीन ही एंजाइम की तरह वर्क कर सकते हैं और कोई भी अदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया है, ये आ चुका है कि जो हमारा आरएनए है वो भी कई जगह पे एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। एक वेल नोन एग्जांपल है जो हमारा आरएनए है उसका वर्क जो एंजाइम की तरह है वो है राइबोसाइम। राइबोसाइम एक आरएनए है जो कि वर्क करता है एज एन एंजाइम। सम हाउएवर ऑल्सो हैव कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फंक्शंस इन सेल। इसके अलावा आरएनए जो हैं उनके कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस भी होते हैं जो रेगुलेशन का काम करते हैं। आरएनए प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन बोथ नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस एंड डिसीज। आरएनए का जो रोल है वो डिसीज कंडीशन एज वेल एज नॉर्मल कंडीशन दोनों में ही देखा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं वेरियस आरएनए जो मोस्ट कॉमन आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या वर्क करते हैं, इस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एमआरएनए कैरीज जेनेटिक कोड्स फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। इसका क्या फंक्शन होता है, जो एमआरएनए है ये जेनेटिक कोड्स को डीएनए से न्यूक्लियस में राइबोसोम के पास ले जाता है। चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ इस लाइन का। ये हमारा एमआरएनए है, एक स्ट्रैंड के फॉर्म में ही होता है जो हमारा एमआरएनए होता है। कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये हम कोई भी मान सकते हैं हमारा एमआरएनए है, एक सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये जो कोड्स हैं जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है तो ये इस फॉर्म में एमआरएनए के फॉर्म में जो कोड्स हैं उनको कैरी करता है, जो कोडॉन्स हैं जिनका कोडिंग होके हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम आके बाइंड करता है और यहीं पे जो टीआरएनए है वो लेकर आता है अमीनो एसिड्स को। फिर यहाँ पे कोडिंग होती है, पेयरिंग होती है कोडॉन एंड एंटी कोडॉन की और वो पूरा प्रोसेस होता है। हम ये डिटेल्ड स्टडी करेंगे जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस ट्रांसलेशन का लेक्चर होगा, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे एक ब्रीफ रिव्यू दिया है मैंने आपको कि क्या वर्क होता है एमआरएनए का। आरआरएनए राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। जो मेन कंपोजिशन होता है राइबोसोम्स का वो आरएनए एंड प्रोटीन होता है। आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर ही हमारे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। वंस फुल्ली असेंबल्ड दे मूव टू द साइटोप्लाज्म। इनका सिंथेसिस होता है, फिर जब ये फुल्ली इनका मैचुरेशन हो जाता है, फुल्ली असेंबल्ड हो जाते हैं ये राइबोसोम्स, तो ये साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं न्यूक्लियस से वेयर एज की रेगुलेटर्स ऑफ ट्रांसलेशन दे रीड द कोड कैरीड बाई एमआरएनए। जो राइबोसोम है हमारा एमआरएनए से बाइंड होता है और ये कोड्स को रीड करता है। टी आर एन ए
मोलिक्यूल्स ऑफ टी आर एन ए समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूबल और एक्टिवेटर आर एन ए, जो टी आर एन ए है इसका एक फॉर्म, ये सॉल्यूबल फॉर्म में भी होता है, तो इसको सॉल्यूबल या एक्टिवेटर आर एन ए भी हम बोलते हैं। विच कंटेन्स फ्यूअर देन 100 न्यूक्लियोटाइड्स, ब्रिंग द स्पेसिफाइड अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम वेयर दे आर लिंक्ड टू फॉर्म प्रोटीन्स। इसके अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो टी आर एन ए का मोलिक्यूल है, और जो एम आर एन ए एंड राइबोसोम की बाइंडिंग होती है, यहीं पे जो टी आर एन ए है हमारा, वो लेकर आता है एंटीकोडॉन को और बाइंडिंग करवाता है टी आर एन ए से। यहाँ पे आके बाइंड करेगा एक टी आर एन ए, फिर उसके बाद में ये रिप्लेस होगा, फिर दूसरा आएगा, और ऐसे 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 प्रोटीन का हमारा सिंथेसिस होता जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कितना ब्रॉड फंक्शन है आरएनए का प्रोटीन के सिंथेसिस में, बिकॉज डीएनए ने इन्फॉर्मेशन स्टोर की, उसको कन्वर्ट किया आरएनए में। अब इसके आगे जितने भी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस है, जीन का एक्सप्रेशन है, सारे ही फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है आरएनए। जो भी डीएनए के थ्रू लाई गई इन्फॉर्मेशन है, उसकी आगे प्रोसेसिंग सारी ही जो आरएनए है हमारा, वही संभालता है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए, जैसे कि हमने देख लिया कि जो हमारा एम आर एन ए है एक सिंपल स्ट्रैंड के फॉर्म में है, जो आर आर एन ए है उसने राइबोसोम को बनाने में हेल्प कर दी। अभी हमारा जो बचा टी आर एन ए, टी आर एन ए वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, और एक इसका होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि ये फॉर्म करता है ये इसकी सेल्फ की फोल्डिंग से, अपने आप को ही फोल्ड करता है और फॉर्मेशन कर लेता है ये टर्सरी स्ट्रक्चर का, जो हमारे सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। बिकॉज जो प्रोटीन का सिंथेसिस हम पढ़ते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस शेप में होता है। ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे ये कोडॉन एंटीकोडॉन की पेयरिंग करवाता है। बहुत ही ब्रॉड रोल होता है टी आर एन ए का। तो इस स्ट्रक्चर का डिटेल्ड स्टडी हम करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The tRNA molecule has a distinctive folded structure with three hairpin loops that form the shape of a three-leafed clover। जैसा कि अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये एक three-leafed structure बन जाता है जब RNA fold होके जो tRNA की folding है, ये fold होके जो structure बनवाता है, यहाँ पे एक ये three-leafed तीन leaves इसकी हो जाती हैं, ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो कि टी आर एन ए फॉर्म करता है। ट्रांसफर आर एन एज आर कोडेड बाई अ नंबर ऑफ जीन्स एंड आर यूजुअली शॉर्ट मोलिक्यूल्स बिटवीन 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वही यहाँ पे बताया गया कि एक शॉर्ट मॉलिक्यूल है एंड 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टी आर एन ए आर इट्स एंटीकोडॉन एंड द टर्मिनल 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये यहाँ पे जो आके कोड करता है, ये एंटीकोडॉन्स को लेके आता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है टीआरएनए का। और इसके जो टर्मिनल है, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ पे 5' and 3' होता है। तो जो 3' पे टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये जो 3', 5' जो होता है इसका आर्म, ये एडॉप्टर की तरह वर्क करता है। ये जो नए अमीनो एसिड्स आते हैं, ये उनको एक्सेप्ट करता है
एडॉप्टर की तरह वर्क करता है, तो इसका ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, विच कैन फॉर्म एन एस्टर लिंकेज विद एन एमिनो एसिड। मतलब जो एमिनो एसिड आ रहा है ये अडॉप्ट करेगा उसको एंड एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा। हाउएवर देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू अ tRNA स्ट्रक्चर सच एज द डी आर्म एंड टी आर्म विच कंट्रीब्यूट टू इट्स हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी। डिस्कस कर रहे थे हम ये स्लाइड को कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके जो ये लूप्स बनते हैं ये इन्हीं लूप्स में किसी का नाम होता है डी आर्म टी आर्म एंड एडॉप्टर, ये सारे होते हैं। अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, चलिए स्टडी करते हैं इसको। ये है हमारा tRNA का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ फॉर्म है इसका। ये 3' एंड है हमारा जहाँ पे अमीनो एसिड आकर बाइंड करते हैं, ये है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। यहाँ से कोई भी अमीनो एसिड आएगा बाइंड करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एस्टर लिंकेज का। एस्टर लिंकेज के थ्रू यहाँ पे अमीनो एसिड आकर बाइंड करता है, इसको हम एडॉप्टर स्टेम बोलते हैं। ये भी ये अमीनो एसिड को एडॉप्ट कर रहा है तो इसीलिए इसको एडॉप्टर स्टेम बोला जाता है। जो हमारा 3' OH है यहाँ पे एक ये CCA ये आपका एक अमीनो एसिड का जो कोड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है 3' OH का या एडॉप्टर आर्म का। और ये है हमारा 5' एंड। नेक्स्ट है हमारा टी लूप, इसको टी साइसी लूप या स्यूडो यूरिडीन लूप भी बोलते हैं। इन सभी का डिटेल्ड फंक्शन क्या है हम एक एक करके सबका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और सबका फंक्शन देखेंगे कि कौन से लूप का किस आर्म का क्या वर्क है। अभी हम यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं tRNA मॉलिक्यूल का। ये टी लूप है या इसको स्यूडो यूरिडीन लूप भी बोलते हैं, ये डी लूप है और ये है हमारा एंटी कोडॉन लूप। एक वेरिएबल लूप भी प्रेजेंट होता है टी लूप एंड एंटी कोडॉन लूप के बीच में। जो एंटी कोडॉन लूप है ये यहाँ पे लेके आता है एंटी कोडॉन्स को, ये पेयरिंग करवाता है, यहाँ से mRNA अटैच होगा इस पे, यहाँ पे कोडॉन होंगे और ये एंटी कोडॉन्स को लेके आएगा और फिर पेयरिंग करवाएगा। ये होता है वोवल पोजीशन। वोवल पोजीशन इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हमने सीक्वेंस लिया है AUG अगर कोई भी है, हालांकि ये फर्स्ट एमिनो एसिड है जो कि कोड करता है मेथियोनिन को, लेकिन अगर हम ऐसे ही रैंडमली मान लेते हैं हमने इसको ले लिया है तो इसका जो थर्ड वाला जो बेस होगा ये कुछ ये चेंज भी हो सकता है। इसकी जगह पे कई ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनमें अगर कुछ भी उनका फॉर्मूला है, अगर कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स जो थर्ड पोजीशन वाला है ये लूजली अटैच्ड होता है और ये कुछ भी मतलब चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए ये जो थर्ड पोजीशन होता है इसको वोवल पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन पे जो भी बेस नाइट्रोजनस बेस हमारा प्रेजेंट होता है वो लूजली अटैच्ड होता है एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर नाइट्रोजनस बेसिस। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सी होती हैं यहाँ पे, प्यूरिन प्यूरिन से या प्यूरिन पिरिमिडिन से रिप्लेस हो सकता है। ये इन सब चीज़ों को भी हम जेनेटिक कोडोन का जो हमारा जो पर्टिकुलर लेक्चर होगा हम उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे होते हैं हमारे जेनेटिक कोडोन्स एंड क्या होता है ये वोवल हाइपोथेसिस एंड क्या है वोवल पोजीशन। ओके, तो ये है हमारा tRNA का डिटेल्ड स्टडी।
जो हमने स्ट्रक्चर देखा, जो उसके वेरियस आर्म्स देखे हमने, तो अब हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या फंक्शन होता है ये जो तीन लूप हमने देखे, एंड ऑल्सो जो हमारा एडॉप्टर स्टेम है कैसे वर्क करते हैं एंड क्या फंक्शन होता है ईच फॉर ईच एंड एवरी लूप। The last three bases on the three prime end of tRNA, जो हम बात कर रहे हैं ये जो three prime end पे सी सी एंड ए, ये जो last के three nitrogenous bases present थे, हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। Three bases on the three prime end of tRNA are always सी सी ए, टू साइटोसिन followed by वन एडनिन, मतलब कि यहाँ पे टू साइटोसिन है और एक एडनिन represent किया गया है। This stretch is part of the acceptor arm. ये जो tRNA का structure होता है उसमें acceptor arm का ये part होते हैं, amino acids को accept करते हैं, where an amino acid is covalently attached to the hydroxyl group on the ribose sugar of terminal adenine nucleotide. जो हमारा ये CCA जो formation होता है, तो यहाँ से जो hydroxyl group होगा ये यहाँ से ज्वाइंट करेगा, जो हमारा आने वाला एमिनो एसिड आएगा वो यहाँ से ज्वाइंट करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इस्टर लिंकेज का। द एक्सेप्टर आर्म ऑल्सो कंटेन्स पार्ट ऑफ द फाइव प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए विद अ स्ट्रेच ऑफ 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा एक बार मैं दोबारा से वो स्लाइड दिखाती हूँ, यहाँ पे दिखाया गया जो फाइव प्राइम का पोजीशन है ये 7 to 9 अमीनो जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं ये बनाते हैं फाइव प्राइम आर्म को। दी एंटी कोडॉन लूप, जो हमारा एंटी कोडॉन लूप है, जो ये वाला हमारा लूप है, अब हम इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। The एंटीकोडॉन लूप, the एंटीकोडॉन लूप विच पेयर्स विद mRNA, जैसे हमने देखा था, एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारा अगर mRNA है तो ये जो एंटीकोडॉन लूप है ये एंटीकोडॉन्स को लेके आएगा और हमारे mRNA पे कोडॉन्स पहले से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ये पेयरिंग करवाता है mRNA से कोडॉन्स की एंटीकोडॉन से। डिटरमाइंस विच एमिनो एसिड is attached to the acceptor stem. जो भी amino acid हमारे acceptor stem से attached होता है उसको ये determine करता है और उसी के according ये anticodons को represent करता है। The anticodon loop is recognized by amino acyl tRNA synthetase. ये एक enzyme होता है जो कि recognize करता है एंटीकोडॉन लूप को। एमिनो एसिड्स रीड्स द जो एंटीकोडॉन लूप होता है रीड्स द एंटीकोडॉन एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द डी आर्म लोकेटेड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द फाइव एंड ऑफ द टीआरएनए। जो ये एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज होता है हमारा, ये एंटीकोडॉन्स को रीड करता है एंड ये डी आर्म को भी रिकॉग्नाइज करता है जो कि डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होता है फाइव प्राइम एंड से। देखते हैं एक बार, ये हमारा डी लूप है, ये फाइव प्राइम है, तो अगर कोई भी पोजीशन यहाँ से नीचे की तरफ होती है हम इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ होती है इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो जो अगर हम इसका एक स्टैंड के फॉर्म में लें इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ ये इधर जा रहा है, मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है। तो ये जो स्टेम होता है, जो ये एंटीकोडॉन लूप होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है। यहाँ पे जो एक एंजाइम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है और वो इस लूप को भी रिकॉग्नाइज करता है जो फाइव प्राइम एंड से जो डाउन स्ट्रीम पे प्रेजेंट है। ओके, तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है हमारा एंटीकोडॉन लूप, हमने देख लिया है कि कैसे ये फंक्शन करता है। डी आर्म,
अभी जो हमने डी लूप देखा था जो कि 5' एंड से हमारा डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट था, अब हम देखते हैं कि ये क्या फंक्शन करता है। दी डी आर्म इज़ अ हाईली वेरिएबल रीजन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे याद रखने वाला कि ये बहुत ही वेरिएबल रीजन होता है एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टेबिलाइजिंग द आरएनएस टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाला पॉइंट है कि ये खुद तो वेरिएबल होता है लेकिन ये आरएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करता है, ये फंक्शन होता है हमारा डी आर्म का। नेक्स्ट है हमारा टी आर्म। जो टी आर्म है, अगर हम मैं ड्रॉ करती हूँ स्ट्रक्चर को, ये हमारा 3' और ये हमारा 5', तो यहाँ पे ये जो टी आर्म है ये डी आर्म है, यहाँ पे हमने देखा था वेरिएबल लूप और ये हमारा एंटी कोडन लूप। तो अब जो ये टी आर्म है ये डी आर्म के सिमिलर होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है कि जैसा ये वैसा ही ये है। दैट बेस पेयर्स विद ईच अदर एंड अ लूप दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। द लूप कंटेन्स मॉडिफाइड बेसिस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड टी साइसी, और इसको हम बोलते हैं स्यूडो यूरिडीन लूप। टू स्पेसिफाई द प्रेजेंस थाइमिडीन स्यूडो यूरिडीन एंड साइटिडीन रेजिड्यू, ये टी जो है वो थाइमिडीन, स्यूडो यूरिडीन के लिए साई एंड साइटिडीन के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम सी का, तो इसको हम बोलते हैं टी साई सी आर्म। The T arm is involved in the interaction of tRNA with the ribosome. जो tRNA का interaction होता है ribosome से, ये उसके लिए responsible होता है हमारा T arm या जो हमारा pseudo uridine loop है, और ये interaction करवाता है tRNA का ribosome से। Next is variable arm. जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल आर्म हमने इस तरीके से देखा था, तो ये जो वेरिएबल आर्म प्रेजेंट होता है इसका काम क्या होता है, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द एंटीकोडोन लूप एंड द टी आर्म। इसका जो पोजीशन है एंटीकोडोन लूप एंड टी आर्म के बीच में ये फिक्स रहेगा, ये आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये डी लूप बनाएं और यहाँ पे एंटीकोडोन लूप और इसके बीच में वेरिएबल लूप को ड्रॉ करें। जो वेरिएबल आर्म होगा ये हमेशा जो हमारा टी आर्म है और जो एंटीकोडॉन लूप है ये उनके बीच में प्रेजेंट होता है। इट प्लेज अ रोल इन अमीनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटिस रिकॉग्निशन ऑफ टी आर एन ए बट कुड बी एब्सेंट इन सब सम स्पीसीज। ये इसके रिकॉग्निशन अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम है इसके रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, लेकिन ये सभी जो स्पीसीज हैं सभी में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ स्पीसीज में ये अब्सेंट भी हो सकता है। अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए, जो अभी तक हमने स्टडी किया एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और टीआरएनए का डिटेल्ड स्टडी, ये जो कॉमन फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं आरएनए के ये हमने उनका स्टडी किया। अभी इसके अलावा आरएनए के मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, आरएनए मॉडिफाई करके ये जो तीन इनके जो प्राइमरी फॉर्म्स हैं इनके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ये बना लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट है हमारे सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार सीएसआईआर ने इन पे क्वेश्चन पूछा है एंड मैच ऑफ द मैच द फॉलोइंग में तो ये कई बार आ चुका है, तो इनकी भी स्टडी हम कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होते हैं जो आरएनए मॉडिफाई होके जो स्ट्रक्चर्स बनाता है वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एडिशन टू mRNA, tRNA एंड rRNA जो कि प्राइमरी फॉर्म्स हैं, RNAs कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कोडिंग एंड नॉन कोडिंग RNAs।
जो डिवीज़न किया गया है आरएनए का, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग के बेस पे किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन कोडिंग आरएनएज। जो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, हाउस कीपिंग नॉन कोडिंग आरएनएज दैट इज़ टीआरएनए एंड आरआरएनए, एंड रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनएज विच आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर साइज। मतलब कि जो हाउस कीपिंग नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं उनमें आ जाते हैं हमारे टीआरएनए एंड आरआरएनए, और उसके बाद में जो रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं फिर उनका फर्दर डिवीज़न किया गया है और उनके वेरियस अदर फॉर्म्स निकल के सामने आए हैं। ये जो डिवीज़न किया गया है रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनएज का, ये उनके साइज़ के बेस पे किया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज हैव एट लीस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड्स। जो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं इनमें 200 न्यूक्लियोटाइड्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं, वाइल स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज हैज़ फ्यूअर दैन 200 न्यूक्लियोटाइड्स। स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज आर सब डिवाइडेड इंटू miRNA, snoRNA, snRNA, siRNA एंड piRNA। ये जो स्मॉल नॉन कोडिंग होते हैं ये इनके वेरियस फॉर्म्स हैं जो कि अब हम डील करेंगे, इनकी एक एक करके स्टडी करेंगे। इनमें है miRNA, snoRNA दैट इज स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, snRNA दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, siRNA एंड piRNA दैट इज पीवी इंटरैक्टिंग आरएनए। तो चलिए एक एक करके इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले miRNA, दे आर अबाउट 22 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग एंड फंक्शन इन जीन रेगुलेशन इन मोस्ट यूकैरियोट्स। जो miRNA का फंक्शन होता है ये होता है जीन रेगुलेशन का, और सेम यही स्टेटमेंट जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में miRNA से पूछा है CSIR ने, वो यही पूछ रखा है उसने स्टेटमेंट। जो मेरे सारे ये नोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे स्टैंडर्ड बुक्स से लिए गए हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स की एक एक लाइन को CSIR ऐसे ही उठा के पूछ लेता है, तो ये सेम ऐसे ही पूछा गया है कि ये जीन का रेगुलेशन करवाता है इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में। दे कैन इनहिबिट और साइलेंस ऑल्सो जीन एक्सप्रेशन बाई बाइंडिंग टू टारगेट mRNA एंड इनहिबिटिंग ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट भी कर सकते हैं एंड इवन ये जीन के एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर piRNA, piRNA और पीवी इंटरैक्टिंग आरएनए। दे आर अबाउट 26 to 31 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग एंड एग्जिस्ट इन मोस्ट एनिमल्स। इनका साइज़ जो होता है वो 26 to 31 न्यूक्लियोटाइड्स तक होता है एंड ये मोस्ट ऑफ़ द एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो वर्क होता है ये रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसपोजोन्स को, ट्रांसपोजोन्स के रेगुलेशन को पीवी इंटरैक्टिंग आरएनए के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, और ये भी CSIR का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए और snoRNA, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनएज ट्रांजिएंटली लोकलाइज टू द कैजल बॉडीज़। जो कैजल बॉडीज़ हैं ये प्रेजेंट होती हैं प्लांट एंड एनिमल्स में, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। इस पे भी CSIR ने क्वेश्चन पूछा है, एंड क्वेश्चन वाज कि कौन सी, उसने कई चार ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा था कि कौन सी बॉडी होती है, कौन सा इसमें से पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, और उसमें जो कैजल बॉडीज़ का ऑप्शन भी दे रखा था जो कि न्यूक्लियस में हमारे प्रेजेंट होता है। और दी होमोलोगस न्यूक्लियोलर बॉडी इन अ बडिंग ईस्ट फॉर मैचुरेशन आफ्टर न्यूक्लियोप्लाज्मिक सिंथेसिस कोर प्रोटीन्स।
ये जो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में और ये फंक्शन परफॉर्म करता है मैचुरेशन आफ्टर न्यूक्लियोप्लाज्मिक सिंथेसिस कोर प्रोटीन। नेक्स्ट इज अवर एसएनआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मेनली इन्वॉल्व्ड इन एमआरएनए प्रोसेसिंग एंड जीन रेगुलेशन। जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं ये एमआरएनए की प्रोसेसिंग एंड जीन के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज अवर एसआईआरएनए। जो एसआईआरएनए का वर्क होता है वो होता है एमआरएनए डिग्रेडेशन का। एमआईआरएनए और एसआईआरएनए बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन यहाँ पे इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो एमआईआरएनए है ये जीन के रेगुलेशन का काम करता है और जो एसआईआरएनए है ये एमआरएनए का डिग्रेडेशन करवाता है। तो ये इन दोनों का रोल कभी भी मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि एमआईआरएनए एंड एसआईआरएनए टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट इज अवर कैजल बॉडीज। ये आरएनए नहीं है, आरएनए का कोई भी मॉडिफिकेशन, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मैं दे रही हूँ। कैजल बॉडी आर न्यूक्लियर ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द बायोजेनेसिस ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। जो कैजल बॉडीज होती हैं इनका फंक्शन होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स के बायोजेनेसिस में ये हेल्प करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये पसंद आ रहे होंगे और ये हमारा आरएनए का यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो आरएनए की स्टडी थी वो इसमें हो गई है। डीएनए की भी हमने पूरी स्टडी कर ली है, डीएनए का स्ट्रक्चर एंड उसके कन्फर्मेशंस को, और आरएनए के भी वेरियस फॉर्म्स को हमने स्टडी कर लिया है। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे, अपकमिंग वीडियोस, उनमें हम स्टडी करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, एंड इसके अलावा जो डीएनए का डिनेचुरेशन है, सुपर क्वाइलिंग है, एंड डीएनए टोपोलॉजी है, इन सब चीज़ों को हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप कि 3 से 4 लेक्चर्स के बाद में जो हमारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो आ जाएगा, उसके भी लेक्चर्स आ जाएंगे एंड हमारा मॉलिक्यूलर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो म्यूटेशन एंड रिपेयर के भी हैं उनको भी मैं इन्वॉल्व करूँगी, डीएनए के म्यूटेशन केसेस एंड रिपेयर सिस्टम को। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गाइज यू कैन सब्सक्राइब ITLS Academy ऑन YouTube एंड यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑन Google Play Store। थैंक यू वेरी मच अगेन।